गुड इवनिंग, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो सेक्शन है यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रहता है, जिसमें हम डेली 10 क्वेश्चंस को डिटेल के साथ देखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा लोकसभा, जिससे लोकसभा में जितने आज क्वेश्चंस बन पाएंगे हम वह करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डिफ़िकल्टी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। यह जो क्वेश्चन है यह किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, वही क्वेश्चंस लिए हैं और उसी पैटर्न पे आगे क्वेश्चन आपके लिए बनाए गए हैं, तो आप बिल्कुल इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें और आंसर दें। चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला है, लोकसभा में गणपूर्ति यानी कोरम पूरा नहीं होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष क्या कर सकता है? गणपूर्ण यानी कि जिसे कोरम कहा जाता है, यह अगर पूरा नहीं होता है तो उस स्थिति में जो लोकसभा अध्यक्ष है वह क्या कर सकता है? ऑप्शन है आपके पास, सदन का स्थगन, सदन का निलंबन, उपरोक्त में से कुछ भी, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। लोकसभा में गणपूर्ति कोरम पूरा नहीं होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष क्या कर सकता है? क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपरोक्त में से कुछ भी कर सकता है, यानी कि सदन का स्थगन भी कर सकता है और सदन का विलंबन भी कर सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बी दोनों सही होगा, यानी कि उपरोक्त में से कुछ भी वह कर सकता है। चलिए देखते हैं, कोरम किसी सभा, सदन, समिति या कार्यकारिणी की बैठक में लाए आगत जो न्यूनतम आवश्यकता सदस्यों की संख्या को क्या कहते हैं? कोरम, यानी कि किसी भी सभा में या संसद में या फिर समिति या कहा जाए कार्यकारिणी की जो बैठक में लाए गए आगत न्यूनतम आवश्यक सदस्य, क्या जो आवश्यक सदस्य होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कोरम कहा जाता है। क्लियर है, कोरम किसे कहते हैं? आगे देखेंगे, यदि किसी समय कोरम न हो तो सभापति या अध्यक्ष, कौन? सभापति या फिर अध्यक्ष, इनके रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह सदन को स्थगित कर दे या फिर तब तक निलंबित रखे जब तक कोरम पूरा ना हो जाए। यानी कि आपको यह चीज़ पता होनी चाहिए कि कोरम के बिना कोई भी सभा या बैठक नहीं पूरी हो सकती, यानी कि पूरी कोरम पूरे होना जरूरी है। अगला है, लोकसभा के महासचिव को नियुक्त कौन करता है? ऑप्शन है आपके पास, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, राष्ट्रपति या फिर शासन दल का नेता। कौन करता है लोकसभा के महासचिव को नियुक्त? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑब्वियसली लोकसभा के महासचिव को नियुक्त करेगा अध्यक्ष, यानी कि आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं, महासचिव के चुनाव का विशेष अधिकार सदन के स्पीकर के पास होता है। किसके पास? सदन के स्पीकर यानी कि अध्यक्ष के पास होता है, जिसका चुनाव वो सदन के नेता और सदन के जो विपक्ष के नेता है उनको संज्ञान में लेकर करते हैं। किस किस के साथ करते हैं? सदन के विपक्ष के नेता और कौन होगा? सदन के जो नेता होते हैं उनके साथ ही मिलकर करते हैं। तो आपको यह चीज़ याद रखनी है कि महासचिव के चुनाव का जो विशेष अधिकार है वह किसे प्राप्त रहता है या किसके पास होता है? तो स्पीकर यानी कि अध्यक्ष के पास होता है। अगला क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? किसी भी विधेयक पर जो निर्णायक मत होता है यह देने का अधिकार किसे है? ऑप्शन है आपके पास, राज्यसभा सभापति को, लोकसभा अध्यक्ष को, लोकसभा उपाध्यक्ष को या फिर प्रधानमंत्री को। किसे होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका, ऑब्वियसली किसको होगा? लोकसभा अध्यक्ष को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर क्या कर सकता है? निर्णायक मत देने का अधिकार रखता है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं, अब हम देखेंगे कि जो निर्णायक मत होता है यह क्या होता है। अब देखो, निर्णायक मत होता है जिसमें किसी मामले में मतों की संख्या समान होने पर सभा में सभापति या उस हैसियत से कार्य कर रहे सदस्य और समिति में अध्यक्ष या फिर हैसियत से कार्य कर रहे सदस्य द्वारा दिया गया मत क्या होता है? निर्णायक मत होता है, या नॉर्मल भाषा में आपसे कहा जाए तो आप क्या बोलेंगे? सभापति के द्वारा दिया गया मत या फिर अध्यक्ष समिति के अध्यक्ष के द्वारा दिया गया मत, यह क्या होता है? निर्णायक मत होता है।
तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर चौथा है, इसका निर्णय कौन करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं? कौन करता है इसका निर्णय कि विधेयक वित्त है या फिर विधेयक है या नहीं है? ऑप्शन है आपके पास लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा के सभापति, राष्ट्रपति या फिर विधि मंत्री। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। कौन करेगा इसका निर्णय कि विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो लोकसभा अध्यक्ष या फिर कहे लोकसभा स्पीकर है वही यह निर्णय ले सकता है कि विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। चलिए देखते हैं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त होता है। क्लियर है? यह लाइन तो आपको पता होगी कि कोई विधेयक विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय किसके पास होगा, तो आप क्या बताओगे? लोकसभा के अध्यक्ष के पास। आगे देखते हैं, निम्नलिखित विषयों से समृद्ध विधेयक धन विधेयक होते हैं, जो जिनके पास समृद्ध विधेयक होते हैं वह कौन होते हैं? धन विधेयक होते हैं जैसे कर लगाने वाले, घटाने वाले, बढ़ाने वाले या उसमें संशोधन करने वाले इत्यादि से, ऋण या भारत सरकार पर आर्थिक भार डालने की व्यवस्था से। अब देखेंगे इनके बारे में, तो भारत की जो संचित या आकस्मिक निधि की सुरक्षा के रूप में रखने या उसमें से धन निकालने की व्यवस्था से, यह भी कौन होंगे? धन विधेयक। उसके बाद भारत के संचित निधि पर किसी जो व्यय है उसका भार डालने या फिर उसमें भार के व्यय के लिए धन की स्वीकृति देने से भी। उसके बाद सरकार हिसाब में धन जमा करने या उसमें से खर्च करने या उसकी जांच आदि, ये सभी काम कौन करते हैं? तो आप क्या बताओगे? अध्यक्ष के, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है इनके अंतर्गत ही ये काम किया जाता है कि कोई धन विधेयक है या फिर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? कौन देता है अंतिम निर्णय? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री या फिर वित्त सचिव? क्या होगा इसका सही जवाब? अभी हमने देखा किसको अधिकार प्राप्त है, तो आप क्या बताओगे? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष को यह अधिकार प्राप्त है या निर्णय दे सकते हैं कि कौन सा कोई भी विधेयक है जो कि क्या है, अंतिम निर्णय देने का अधिकार। ठीक है, विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में किया जाता है? किसके कार्य में किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या फिर संसदीय मामलों का मंत्रालय? देखो अब क्या है, लोकसभा का सचिवालय, लोकसभा का सचिवालय है जिसका प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण किसके कार्य में कार्य करता है, किसके नियंत्रण में कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर छठा, आपको पता है लोकसभा का है तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यानी कि जो प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण और नियंत्रण है इसका कार्य कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। चलो देखते हैं, लोकसभा सचिव एक स्वतंत्र निकाय है। कौन सी निकाय है लोकसभा सचिव? तो आप क्या बताओगे? एक स्वतंत्र निकाय है जो माननीय लोकसभा अध्यक्ष के पूर्ण नियंत्रण और मार्गदर्शन में कार्य करता है। जो लोकसभा सचिवालय है किसके नियंत्रण में कार्य करता है? तो आप क्या बताओगे? यह पूर्ण रूप से लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण और मार्गदर्शन में कार्य करता है। लोकसभा अध्यक्ष को उनके संवैधानिक और जो सांविधिक उत्तराधिकारी है उसमें निर्वाहन में लोकसभा के जो महासचिव होते हैं, जिसमें क्या होता है, जितना वेतन पद, क्या जितना वेतन पद दर्जा आदि भारत सरकार के सर्वोच्च रैंक के अधिकारी अर्थात जो मंत्रिमंडल सचिव के बराबर ही होता है, किसका? लोकसभा अध्यक्ष का। यानी कि जो पद हुआ, वेतन दर्जा और जो रैंक होती है ये किसके बराबर होती है? मंत्रिमंडल के जो सचिव है उसके बराबर किसकी होती है? तो लोकसभा अध्यक्ष की। अपर सचिव, संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी और सचिवालय के जो विभिन्न स्तर के जो अन्य अधिकारी होते हैं तथा कर्मचारी सहयोग प्रदान करते हैं। किसका सहयोग प्रदान करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष को। कौन कौन सहयोग प्रदान करते हैं? तो अपर सचिव, संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी, सचिव के विभिन्न जो स्तर के जो अन्य अधिकारी होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, वह क्या करते हैं? इनके अंतर्गत काम करते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है, बताने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर सातवां, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? डबल रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष, अब देखो, मनोनीत किया जाता है क्या, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है या फिर नियुक्त किया जाता है? ओहो,
बड़ा कंफ्यूज हो गया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या होगा बताइए बताइए। लोकसभा अध्यक्ष को मनोनीत किया जाता है, चयनित, निर्वाचित या फिर नियुक्त किया जाता है, क्या किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी, कौन बताएगा क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निर्वाचित किया जाता है। किसे? भारत के लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है इसे निर्वाचित किया जाता है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं, भारतीय लोकतंत्र में लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्यों के साधारण बहुमतों के द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष के नाम का चयन बहुमत प्राप्त दल के द्वारा ही किया जाता है। अगर आपसे कहे कि लोकसभा अध्यक्ष का के जो नाम का चयन है यह कौन से दल के द्वारा किया जाता है, तो आप क्या बताओगे? बहुमत प्राप्त दल के द्वारा ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सदन के दोनों सदनों से संयुक्त अधिवेशन में कौन बुलाता है? जो संसद के दोनों सदन होते हैं उनके जो संयुक्त अधिवेशन होते हैं उन्हें कौन बुलाता है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर राज्यसभा का अध्यक्ष, कौन बुलाता है? क्वेश्चन नंबर 9वां। अब देखो इसमें कुछ बच्चे बोलेंगे लोकसभा के अध्यक्ष बुलाते हैं, तो आप बिल्कुल ही गलत जा रहे हो। बड़े टॉपिक है पर ऐसा नहीं है, ध्यान से पढ़ो। सदन के जो दोनों सदन होंगे उनके जो अब अधिवेशन की बात हो रही है, अधिवेशन को कौन बुलाता है, तो आप क्या बताओगे? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। संविधान जो भारतीय संविधान है उसका अनुच्छेद 118 है, उसमें यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन के संदर्भ में नियम बनाए। कौन बनाएगा नियम संयुक्त अधिवेशन के संदर्भ में? तो राष्ट्रपति। कौन से अनुच्छेद में कहा है? तो 118 में यह प्रावधान दिया गया है। ठीक है, इस अनुच्छेद में एक प्रावधान यह भी है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अध्यक्षता का बुलाए परंतु बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन है? जी वी मालंकर, गुरदयाल सिंह ढिल्लो, एम ए मालंकर या फिर सरोजनी नायडू, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और इनके बारे में आप जो भी चीज़ें जानते हैं, कब से कब तक इनका कार्यकाल रहा है, यह भी चीज़ें आपको बतानी है। क्लियर है। चलिए मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।